हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एसएससी ने अभी अभी बड़ी खुशखबरी दी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर AWTPO की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अक्टूबर में तो पहले से ही टेंटेटिव शेड्यूल था हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ड्राइवर और AWTPO का, लेकिन अभी कांस्टेबल ड्राइवर AWTPO की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी में आ सकते हैं, जहां पे आपको डेली 5 से 6 घंटे क्लासेस, AC लाइब्रेरी, बढ़िया आपको रहने की व्यवस्था दी गई है। संडे को मॉक टेस्ट होता है, संडे को मैराथन क्लास अलग से करवाई जाती है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो अभी हमें दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8910 28 158 पे व्हाट्सअप कीजिए। हम आपको बैक कॉल करेंगे या व्हाट्सअप पे रिप्लाई देंगे। फेस लोकेशन आपको व्हाट्सएप पे बताई जाएगी। बात करते हैं दोस्तों एग्जाम डेट की। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका एक जो एग्जाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा दोस्तों कांस्टेबल ड्राइवर, और कांस्टेबल ड्राइवर का जो एग्जाम है दोस्तों एक ही दिन होगा, 21 अक्टूबर 2022। ठीक है, यानी एक ही दिन आपका एग्जाम ले लिया जाएगा ड्राइवर का। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों AWTPO की। तो दोस्तों AWTPO का जो एग्जाम है आपका 27 और 28 अक्टूबर को लिया जाएगा। ठीक है, यानी अक्टूबर के महीने में 3 एग्जाम होने थे SSC के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, मिनिस्ट्रियल ड्राइवर AWTPO, लेकिन अभी जो SSC ने जारी की है एग्जाम डेट उसमें 2 एग्जाम है। एक आपका ड्राइवर का है जिसका एग्जाम 21 अक्टूबर को एक ही दिन होगा, जबकि AWTPO का एग्जाम 2 दिन चलेगा, 27 और 28 अक्टूबर को। ठीक है, तो जो भी बच्चे ड्राइवर AWTPO वाले हैं अपनी तैयारी को जमकर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है। ये आने वाले 2-2.5 महीने आपकी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण ये टाइम्स माना जाएगा, क्योंकि जो बच्चा इन 2 महीनों में खुद को तपा देगा वो सूर्य बन के निकलेगा, और जो यहाँ पे लापरवाही बरतेगा वो फिर पछताने के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।